Welcome back friends in your channel Mining Support. As usual, I am going to discuss about various points that is important and most probably asked in your examination. So keep watching. First point is here, incubation period. जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि incubation period क्या होता है, ये एक ऐसा period है जिसके दौरान जो है कि कोल सीम में फर्स्टली हम उसको सब्जेक्ट करते उस कंडीशन में रखने के लिए, और जितना पीरियड के बाद जितना लैप्स होता है पीरियड उसके बाद जो फायर कैच करता है उसके ड्यूरेशन को, उसके बीच के समय को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड विच लैप्स बिटवीन द टाइम व्हेन कोल इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड द टाइम फॉर इंडिकेशंस ऑफ हीटिंग। ठीक है, मतलब ये क्या है ना, पीरियड लैप्स है, बिटवीन द टाइम व्हेन कोल इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग फेवरेबल होने के लिए हम जो कंडीशंस कोल को प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से लेकर के जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग दिखने लगता है उसके बीच के जो समय लैप्स है या तो समय कवर करता है जो लेता है उसके समय को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो बोल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज बिटवीन 3 months to 10 months फॉर इंडियन कोल सीम। ठीक है, मतलब इंडियन कोल सीम का इंक्यूबेशन पीरियड ऑन एन एवरेज कितना है, 3 months to 10 months। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ऑफ पिलर्स इन ए पैनल सिस्टम इज कैप्ड 12 to 30, मतलब नंबर ऑफ पिलर हमको कितना रखना है पैनल सिस्टम वर्किंग में, 12 से लेकर के 30। ठीक है, मैक्सिमम बैरियर शुड बी कैप्ड इन ए पैनल सिस्टम इज 20 meter। ठीक है, कोई भी बैरियर है जो हम लोग पैनल सिस्टम में रखते हैं वो बैरियर का मैक्सिमम जो होगा विड्थ कितना होगा, 20 meter होगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट बोल रहा है बकेट कैपेसिटी से क्वेश्चन मोस्टली रहता ही रहता है। ठीक है, तो बारीकी से इसको देखना है, तो बकेट कैपेसिटी ऑफ SDL इज 0.6 cubic meter एंड LSD इज 1.5 cubic meter। ओके, नेक्स्ट पॉइंट द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज लेस देन 9 meter। ठीक है, जब दो हमारा पार्टिंग हो हमारा दो सीम का 9 meter से कम हो तो उस सीम को हम लोग क्या बोलेंगे ना, कंटिजुअस सीम बोलेंगे। ठीक है, द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज लेस देन 9 meter देन द सीम इज नॉन एज कंटिजुअस सीम। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, एंडलेस रफ हॉलेज वर्क्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 600 meter अलोंग द स्ट्राइक वेयर एज बेल्ट कन्वेयर वर्क्स अप टू अ 1000 meter अलोंग द स्ट्राइक। ठीक है, एंडलेस रफ हॉलेज जो हमारा वर्क्स करता है कितना डिस्टेंस तक, 600 meter अलोंग द स्ट्राइक। ठीक है, लेकिन बेल्ट कन्वेयर जो हमारा वर्क करता है 1000 meters अलोंग द स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक के अलोंग, डीप एंड स्ट्राइक तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो स्ट्राइक लाइन के अलॉन्ग हमारा 600 मीटर तक हमारा एंडलेस रॉप हॉलेज वर्क कर सकता है। ठीक है, 600 मीटर से ज़्यादा में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको एंडलेस को खींचने में, लेकिन यदि हमारा बोल रहा है कि वर्क बेल्ट कन्वेयर कितना तक, 1000 meter अलॉन्ग स्ट्राइक हमारा वर्क कर सकता है। चेन कन्वेयर वर्क्स 100 meter डिस्टेंस इन अ लेवल एंड डीप डायरेक्शन एंड 70 meter डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन ऑफ राइट साइड। चेन कन्वेयर कैसे वर्क करता है, तो चेन कन्वेयर वर्क्स अलोंग 100 meter डिस्टेंस इन अ लेवल डायरेक्शन एंड 70 meter डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, द इफ रूफ कंसिस्ट ऑफ सेल, यदि हमारा रूफ सेल कंसिस्ट कर रहा है, मतलब सेल रॉक जो है कि कंटेन करता है रॉक रूफ हमारा रूफ रॉक, तो वो बोलता है क्या ना, तो उसका जो है हमारा 0.6 meter थिकनेस कोल लेफ्ट इंटैक्ट इन द रूफ, तो हमको 0.6 meter जो हमारा कोल रूफ में इंटैक्ट करके छोड़ देंगे, मैंने उसको खुला छोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, यदि हमारा रूफ कंटेन कर रहा है सेल रॉक, ठीक है, तो 0.6 meter थिकनेस ऑफ कोल लेफ्ट इंटैक्ट इन द रूफ रॉक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, OMS, OMS means क्या होता है, आउटपुट इन टर्न्स पर मैन पर शिफ्ट। OMS means आउटपुट इन टर्न्स पर मैन पर शिफ्ट, इट इज़ अ मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ माइंस ऑफ ए लोडर। ठीक है, इट इज़ अ मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ माइंस ऑफ ए लोडर,
फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ लॉन्गवाल मेथड। लॉन्गवाल मेथड का क्या क्या कंडीशंस होता है? तो पहला है क्या, सीम थिकनेस हमारा 0.6 टू 2.4 मीटर होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा डेप्थ क्या होना चाहिए, कोल सीम का मॉडरेट डेप्थ होना चाहिए, और इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए, शुड बी फ्लैट, दैट इज 20 डिग्री अलॉन्ग अ स्ट्राइक लाइन। स्ट्राइक लाइन के अलॉन्ग 20 डिग्री यदि हमारा सीम का इंक्लाइनेशन है तो वो भी चलेगा, हमारा लॉन्ग वॉल के लिए फेवरेबल कंडीशंस माना जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, बोल रहा है डेप्थ शुड बी मोर देन 500 मीटर, और ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग वॉल वर्किंग के लिए हमारा जो डेप्थ ऑफ सीम है वो हमारा 500 मीटर से अधिक हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, इन लॉन्ग वॉल वर्किंग विथ कोल प्लफ सीम थिकनेस 0.6 मीटर टू 0.2 मीटर। ओके, दो प्लफेबिलिटी जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है कोल सीम का, तो ISI इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंडेक्स पर हमारा प्लफेबिलिटी हमारे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कोल सीम का जो प्लफेबिलिटी है तो प्लफेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है ना, उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंडेक्स पर, ठीक है। मतलब कोल जो कितना इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है कोल का उस पे डिपेंड करता है प्लफेबिलिटी ऑफ कोल सीम, ठीक है। फिर बोल रहा है इन लॉन्ग वॉल वर्किंग विथ कोल प्लफ अप टू सीम थिकनेस ऑफ 0.6 टू 2 मीटर, हम लोग लॉन्ग वॉल वर्किंग में कितने कोल को प्लफ कर सकते हैं, मैंने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना थिकनेस होगा, 0.6 टू 2 मीटर हमारा थिक जो है कोल को हम लोग प्लफिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है वेयर कोल इज हार्ड इन द केस वाटर इन्फ्यूजन ऑफ कोल फेज प्रोसीड्स द प्लफिंग ऑपरेशन, ठीक है। जहाँ पे कोल हार्ड होता है, ठीक है, वाटर इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन किया जाता है कोल पे, कोल फेस पे, ठीक है, किसके लिए ना, प्लफिंग ऑपरेशन को कैरी करने के लिए। तो प्लफिंग क्या है, मैंने कोल को काट के निकालने का जो ऑपरेशन हो प्लफिंग ऑपरेशन बोलते हैं, वाट, ठीक है। अब इसके साथ एक नया टर्म आपको मिलेगा कि वाटर इन्फ्यूजन, ठीक है, वाटर इन्फ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर डीप होल्स स्पेस्ड 3 टू 6 मीटर इंटरवल, प्लेस्ड 3 टू 6 मीटर इंटरवल अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ 45 डिग्री टू इट एंड प्रेशर्स ऑफ फोर्सिंग वाटर, ठीक है, कितना होगा, 6 टू 10 केजी, 6 टू 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर थ्रू दैम, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास पॉइंट रहने वाला है। तो वाटर इन्फ्यूज़न, वाटर इन्फ्यूज़न एक प्रोसेस है, तो कैसा प्रोसेस है ना, ड्रिलिंग का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम लोग 1.2 से 1.5 मीटर हम लोग डीप होल्स करते हैं, और जिसका होल का स्पेसिंग कितना होना चाहिए ना, 3 टू 6 इंटरवल, 3 टू 6 मीटर इंटरवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री टू इट, ठीक है। 3 से 6 मीटर इंटरवल पे हम लोग 45 डिग्री डायरेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं ना, डीप होल करते हैं, और प्रेशर कितना करते हैं ना, प्रेशर ऑफ फोर्सिंग वाटर, फोर्सिंग वाटर का प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए ना, 6 टू 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर थ्रू दैम। तो इससे एक खास पॉइंट निकल के आता है कि वाटर इन्फ्यूजन क्या है। वाटर इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग 1.2 से 1.5 मीटर का डीप होल ड्रिलिंग करते हैं, और डीप होल ड्रिलिंग करने के साथ साथ उसका जो 1.2 से 1.5 मीटर डीप होल ड्रिलिंग करते हैं, और उसका स्पेसिंग 3 से 6 मीटर इंटरवल होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री, और जो होल का डायरेक्शन हम लोग 45 डिग्री अलोंग द होरिजन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हो रहा है प्रेशर ऑफ वाटर फोर्सिंग, जो हम लोग वाटर फोर्स करते हैं, ठीक है, प्रेशर उतना किसका होना चाहिए, 6 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर थ्रू डैम, ठीक है। 6 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग वाटर को वाटर मेथड पे हम लोग होल पे स्पेसिंग होल पे इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मशीनरी यूज इन ओपन कास्ट लॉन्ग वाल फेस, सॉरी ओपन कास्ट नहीं होगा यहाँ पे, मशीनरी यूज इन मैकेनाइज लॉन्ग वाल फेस। मैकेनाइज लॉन्ग वाल फेस में क्या क्या मशीनरी यूज है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या होता है, डर्ड सर्ड सियरर AFC पावर सपोर्ट गेट बेल्ट कन्वेयर स्टेज लोडर, ठीक है, सीम माइनर, उसके बाद रोड हेडर। तो हम लोग सबको बारी बारी से देखते हैं क्या है इसमें। तो ये हमारा सीआरआर, ठीक है, तो डबल एंडेड रेंज ड्रम टाइप का सीआरआर है, ठीक है। अब बोलता है लॉन्ग वॉल सेयर्स कट अवे फेस ऑफ ए कोल सीम, फिगर से क्लियर हो रहा है कि क्या क्या मैकेनाइजेशन इसमें आ सकता है। इसमें पिक्स लगा हुआ होता है काटने के लिए कोल को, जो हाइड्रोलिक पर हाइड्रोलिक सपोर्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं कि इसका प्रोसेस और वर्किंग क्या क्या होता है, ठीक है। दे आर इक्विप्ड विद द कटिंग ड्रम्स, जो कटिंग ड्रम से इक्विप्ड होता है डर्ड या तो शर्ट, ठीक है,
तो बोल रहा है दे आर इक्विप्ड विद द कटिंग ड्रम्स पोजिशंड अगेंस्ट द कोल सीम बाय रेंजिंग आर्म्स। ठीक है, रेंजिंग आर्म से हम लोग पोजिशन किया जाता है, रेंजिंग आर्म से पावर्ड बाय द हाइड्रोलिक रैम्प्स, और हाइड्रोलिक रैम से उसको पावर मिलता है। ठीक है, हाइड्रोलिक रैम से किसको ना, डर्ड या तो सर्ड को, ठीक है, कटिंग ड्रम को। ठीक है, कटिंग ड्रम को घुमाता कौन है, हाइड्रोलिक रैम्प्स। और दे कैन वेट मोर देन 100 टन्स, कितने वेट को वहन कर सकता है, दे कैन वेट मोर देन, दे कैन वेट मोर देन 100 टन्स, ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट एंड कट अवे स्लाइस ऑफ कोर्स अप टू 100 सेंटीमीटर थिक। तो और कितने मीटर स्लाइस ले सकता है वो, कट स्लाइस कितना मीटर डायगा ले सकता है ना, 100 सेंटीमीटर थिक कट स्लाइस ले सकता है, और ट्रेवल स्पीड कितना होना चाहिए ना, 30 मीटर पर मिनट। बोला दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सियरर लोडर। ठीक है, इसको हम लोग और भी नाम से क्या जानते हैं ना, सियरर लोडर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, सियरर लोडर, ठीक है, सियरर लोडर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लॉन्ग वॉल माइनिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग वेयर एग्रीगेट टाइपिकली कोल इज एक्सट्रैक्टेड इन पैनल सेक्शंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। लॉन्ग वॉल माइनिंग एक ऐसा माइनिंग का पार्ट है जिसमें क्या करते हैं ना, वेयर एग्रीगेट टाइपिकली कोल इज एक्सट्रैक्टेड, तो टाइपिकली कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन पैनल सेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, पैनल सेक्शन में लगभग में क्या बोलते हैं ना, पैनल सेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.6 to 9 मीटर बाय 0.6 से 9 मीटर के हमारा जो सेक्शंस होता है पैनल का। ठीक है, बाय 200 to 400 मीटर। ठीक है, लॉन्ग वॉल वर्किंग में हम लोग माइनिंग करते हैं, साथ ही साथ बोल रहा है कि बाय 3 to 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर तक हम लोग इसको आगे एडवांस कर सकते हैं। बोल रहा है क्या, द विड्थ ऑफ द, इसको फिर से एक बार वर्ड को समझ लिए सेंटेंस को, बोल रहा है लॉन्ग वॉल माइनिंग ये टाइप ऑफ माइनिंग वेयर एग्रीगेट टाइपिकली कोल इज एक्सट्रैक्टेड इन ए पैनल सेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, पैनल का हमारा कितना होना चाहिए सेक्शन, 0.6 to 9 मीटर बाय 200 to 4 मीटर बाय 3 to 4 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, इस हिसाब से हमको दिया है कि 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैनल को एक्सटेंड कर सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई क्या दिया है कि 0.6 to 9 मीटर बाय 200 to 4 मीटर। ठीक है, 200 to 4 मीटर लंबाई, 0.6 to 9 मीटर ऊंचाई चौड़ाई या ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं हम लोग फेस का, इस हिसाब से आगे फिर बोला है द विड्थ ऑफ द पैनल रेफर्ड टू एज द फेस ऑफ द सीम इज अंडर कट बाय अनदर पीस ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट सच एज रोड हेडर और कंटिन्यूअस माइनर। बोला है द विड्थ ऑफ द पैनल रेफर्ड टू एज द फेस ऑफ द सीम, विड्थ ऑफ द पैनल रेफर टू द फेस ऑफ द सीम, माने हमको विड्थ ऑफ द पैनल जो हमको किसको रिफर करता है ना, फेस ऑफ द सीम, सीम का फेस क्या है, पैनल का जितना चौड़ाई है उतना फेस का चौड़ाई होगा लॉन्ग वॉल में। ठीक है, रेफर टू एज द फेस ऑफ द सीम इज अंडर कट बाय अनदर पीस ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट, जिसको हम लोग अंडर कट करते हैं माइनिंग इक्विपमेंट से, कौन सा माइनिंग इक्विपमेंट का नाम है, तो रोड हेडर या तो कंटिन्यूअस माइनर। ठीक है, जो हमारा विड्थ ऑफ द पैनल है उसको हम लोग पैनल कैसे डिटरमाइन करेंगे ना, अंडर फेस ऑफ द सीम से डिटरमाइन करेंगे, साथ ही साथ बोल रहे हैं जिसमें एक अंडर कट लिया जाता है। ठीक है, तो अंडर कट कौन सा माइनिंग इक्विपमेंट से लिया जाता है ना, रोड हेडर से या तो कंटिन्यूअस माइनर से। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द सीम आइदर ए सियरर लोडर और फोर हाइट्स ग्रेटर देन 2.3 मीटर, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सीम, अब ये डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ द सीम कितना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सीम आइदर ए इधर ए सियरर लोडर फोर हाइट्स ग्रेटर देन 2.3 मीटर। ठीक है, सियरर लोडर कब हम लोग यूज़ करते हैं, सियरर लोडर का इस्तेमाल कब करते हैं, मैंने डर्ड या तो सर्ड कब करते हैं सियरर लोडर का इस्तेमाल, जब हमारा हाइट कितना हो, ग्रेटर देन 2.3 मीटर हो। तो ये भी याद रखना है कि डर्ड सर्ड कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका हमारा कोल सीम का हाइट हमारा 2.3 मीटर से अधिक हो, और ए प्लाव फोर थिनर सीम, और प्लाव का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं ना, और ए प्लाव फॉर थिनर सीम इज यूज्ड एज अ सीम एज अ सिस्टम एडवांसेस थ्रू द पैनल अवॉइड रिफर टू एज ए गोफ। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग सीम सिस्टम को एडवांस करते हैं तो एक पैनल बोलता है ना एडवांसेस दो द पैनल और अवॉइड रिफर टू एज गोफ, तो उसको हम जैसे सीम को सिस्टम को एडवांस करते हैं तो एक हमारा गोफ निकलते आता है। ठीक है, वॉइड छूटता है, वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं, इज लेफ्ट बिहाइंड विच कोलैप्स ड्यू टू द वेट ऑफ द ओवर बर्डन, और जो साथ ही साथ कोलैप्स करते जाता है, क्यों, वेट ऑफ द ओवर बर्डन के चलते। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है क्या,
The shearer loader can be divided into the shearer loader can be divided into three basic types. Shearer loader हम लोग तीन basic type में divide कर सकते हैं. पहला क्या, double ended ranging drum, जिसको dirts dirt बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ dirts लिखा है, dirt होता है. ठीक है, misprint हो गया, mistype हो गया. डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर, तो डर्स लिखा है. ठीक है, DERS, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर. तो ये क्या है ना, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट टाइप ऑफ सीयरर लोडर. द डबल एंडेड रेंजिंग द डबल एंडेड मशीन इंक्लूड्स टू कटिंग ड्रम्स माउंटेड ऑन. डबल एंडेड रेंजिंग मशीन हम लोग क्या करता है ना, डबल एंडेड मशीन इंक्लूड्स टू कटिंग ड्रम्स माउंटेड ऑन रेंजिंग आर्म्स. किस पे माउंटेड होता है, मैंने किस पे लगा हुआ होता है, द रेंजिंग आर्म्स पे. दैट कैन बी पोजिशनड टू एकोमोडेट अ रेंज ऑफ सीम थिकनेस. ठीक है, जो क्या करता है ना, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर्स में क्या करता है ना, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट टाइप ऑफ सीयर लोडर यूज होता है. द डबल एंडेड मशीन इंक्लूड्स टू कटिंग ड्रम्स माउंटेड ऑन रेंजिंग आर्म्स दैट कैन बी पोजिशन टू एकोमोडेट अ रेंज ऑफ सीम थिकनेस. जिसको हम लोग सीम थिकनेस के अलॉन्ग उसको एकोमोडेट कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कटिंग ड्रम माउंटेड. जो सिंगल कटिंग ड्रम माउंटेड किस पे होता है ना, सिंगल रेंजिंग आर्म्स पे, सिंगल रेंजिंग आर्म्स पे माउंटेड होता है. ठीक है, सिंगल कटिंग ड्रम जो सिंगल एंड सिंगल सिंगल रेंज रैगिंग आर्म्स पे माउंटेड होता है. ठीक है, टाइपिकली टू सर्स आर यूज साइमल्टेनियसली टू कट अवे द फेस ऑफ ए कोल सीम. तो एक फेस को हम लोग यदि काटते हैं तो दो सर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. टाइपिकली टू सर्स आर यूज साइमल्टेनियसली टू कट अवे द फेस ऑफ ए कोल सीम. नेक्स्ट बोल रहा है क्या, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट भी होता है और वो क्या होता है सो देखते हैं. बोल रहा है ना सिंगल एंडेड फिक्स ड्रम सीयरर, सिंगल एंडेड फिक्स ड्रम सीयरर भी हो सकता है. सिंगल एंडेड फिक्स ड्रम सीयरर्स ये क्या होता है ना, लाइक सर्स आर ऑल्सो टाइपिकली यूज इन पेयर्स. ठीक है, ये सर्स की तरह ही होता है, ये सर्फ होता है, सिंगल एंडेड फिक्स ड्रम सीयरर्स. ठीक है, डर्स सर्स पढ़ लिए लेकिन सर्फ भी होता है, तो सिंगल एंडेड फिक्स ड्रम सीयरर ये क्या करता है ना, लाइक सर्स आर ऑल्सो टाइपिकली यूज इन पेयर्स, ये पेयर की तरह यूज होता है. बट लैक अ रेंजिंग आर्म्स एंड यूज टू एक्सट्रैक्ट थिन कोल सीम. ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, आर यूज टू एक्सट्रैक्ट थिन कोल सीम अप्रोक्सीमेटली 48 inches थिक. तो सर्फ का इस्तेमाल हम लोग 48 inch कोल सीम को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसका ना, सर्फ का, सिंगल एंडेड फिक्स ड्रम सीयरर. ओके, फिर आता है आर्मर्ड फेस कन्वेयर. आर्मर्ड फेस कन्वेयर क्या होता है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर जिसको बोलते हैं फेस कोल हॉलेज में इस्तेमाल होता है आर्मर्ड फेस कन्वेयर. ठीक है, जिसको फेस कोल हॉलेज आर्मर्ड फेस कन्वेयर को बोलते हैं फेस कोल हॉलेज भी बोल सकते हैं इसको. आर्मर्ड फेस कन्वेयर का दूसरा नाम क्या है, फेस कोल हॉलेज. ठीक है, इसेंशियली एन आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर इज ए वन साइडेड. ठीक है, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर क्या होता है ना, वन साइडेड होता है. इसेंशियली एन आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर इज वन साइडेड ट्रफ, वन साइडेड ट्रफ स्क्रैपर कन्वेयर होता है. ठीक है, एक साइड धंसा हुआ स्क्रैपर कन्वेयर होता है, द सेकेंड साइड ऑफ द ट्रफ बींग फॉर्म्ड बाय द कोल फेस. ठीक है, एंड द सेकेंड साइड ऑफ द ट्रफ बींग फॉर्म्ड बाय द कोल फेस, और सेकेंड साइड हमारा जो ट्रफ जो है फॉर्म होता है किसके ना, कोल फेस से. सेकेंड साइड ऑफ द ट्रफ बींग फॉर्म्ड बाय द कोल फेस. नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ये लॉन्ग वॉल का सपोर्ट चौक सील टाइप सपोर्ट है. इसके बाद आता है क्या, जिसका हम लोग बारे बखान किए हैं, लॉन्ग वॉल फेस चेन कन्वेयर. ठीक है, हम लोग फेस चेन कन्वेयर पे आएंगे. ठीक है, कन्वेयर का जो बात हो रहा था तो लॉन्ग वॉल फेस चेन कन्वेयर को हम दिखाएंगे यहाँ पे. तो लॉन्ग वॉल फेस चेन कन्वेयर्स और आर्मर्ड फेस चेन कन्वेयर्स, तो LFCC जिसको बोल सकते हैं लॉन्ग वॉल फेस चेन कन्वेयर, या इसको हम लोग AFC भी बोल सकते हैं आर्मर्ड फेस कन्वेयर, आर डिजाइन फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल इन हाई वॉल्यूम. ठीक है, किस AFC का इस्तेमाल किस लिए करते हैं ना, स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल इन हाई वॉल्यूम कोल फेस, वेयर सीयरर्स आर पावर्ड रूफ सपोर्ट आर यूज. जहाँ पे सीयरर्स जो है कि रूप्स वेयर सीयरर्स आर
पावर्ड रूफ सपोर्ट्स आर यूज्ड, ठीक है, जहाँ पे सीयरस का इस्तेमाल करते हैं और रूफ सपोर्ट जो है कि पावर्ड थ्रू माने हाइड्रोलिकली पावर्ड हो, ठीक है। बोरा चेन कन्वेयर्स हमारा इस तरह से हो सकता है, चेन कन्वेयर्स का छापा है इस तरह से पिक्चर, क्या क्या अंडरग्राउंड में स्थिति होता है तो फिगर से आप देख ही रहे हैं, ठीक है। डर्ट शर्ट लगा होगा, बाकी अपना आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर AFC जो है ना, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर है, ट्रप फोर बिट बाय इंटरचॉक कैसल एंड होसेस दिया गया है, ठीक है। रेले बोर्ड कनेक्ट से सपोर्ट टू AFC आर्मर फ्लेक्सिबल कन्वेयर को कनेक्ट किया हुआ है, फिक्स्ड केबल एंड हॉजेस। अगला है हमारा जो हम लोग AFC के बारे बात किए, तो AFC क्या होता है ना, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, ये क्या करता है, कोयला को खींचते हुए ले जाता है, मैंने जैसे गिरता है वो अगला चलते रहता है, ठीक है। और इस तरह से CRR में यूज़ होता है AFC, ठीक है। और द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आर्मर्ड फेस कन्वेयर या तो चेन कन्वेयर्स आर, कैपेसिटी कितना होता है, 3500 टन पर आवर्स, ठीक है, 3500 टन पर आवर्स कैपेसिटी होता है AFC का या तो चेन कन्वेयर्स का, ठीक है। डिस्चार्ज एंड क्या होता है, एक्स फ्रेम टाइप का होता है डिस्चार्ज एंड, डिस्चार्ज एंड हमारा एक्स फ्रेम टाइप का होता है, ठीक है, ये बस याद रखना है, फिगर से उतना पॉसिबल है नहीं दिखाना, ठीक है। इसका डिस्चार्ज एंड कितना होता है ना, एक्स फ्रेम का होता है, एक्स फ्रेम ड्राइव और एंड लोडिंग यूनिट कॉम्प्लीट विथ ड्राइव मॉड्यूल्स एट ईच एंड, अप टू 3 यूनिट्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच इंस्टॉलेशन इक्विप्ड विद द एक्सप्लोजिव प्रूफ इक्विप इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। बोरा ड्राइव मॉड्यूल्स एट ईच एंड, अप टू 3 यूनिट्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच इंस्टॉलेशन, ठीक है, इक्विप्ड विद एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, ओवरऑल पावर इनपुट अप टू 3x855 किलोवाट, ठीक है, मैंने 3x855 का जितना हमारा होता है तो उतना ओवरऑल पावर जो इनपुट देना पड़ता है, किसमें, AFC आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर में, ठीक है। साथ ही साथ बोल रहा था कैपेसिटी अप टू 3500 टन पर आवर, 1 घंटा में 3500 टन जो है कि डिस्चार्ज करता है एंड से, एक्स फ्रेम एंड से, ठीक है। और बोल रहा है कि ड्राइव एंड, ड्राइव और एंड लोडिंग यूनिट कंप्लीट विद द ड्राइव मॉड्यूल्स एट ईच एंड, साथ साथ क्या इसमें कह रहा है ना, इक्विप्ड विद एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो इसमें इसको किस तरह से मोटर से जोड़ा जाता है ना, एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिक मोटर से, जिसका ओवरऑल पावर इनपुट कितना होता है, 3x885, 885 का 3 गुना टाइम्स होता है किलोवाट हमारा पावर इनपुट होता है किसमें ना, AFC का जो ड्राइविंग मोटर होता है उस पर, ठीक है। फिर बोल रहा है चेन टेंशनिंग यूनिट ऑन द टेल गेट एंड, ठीक है, चेन टेंशनिंग यूनिट हमारा जो लगा होता है कहाँ पे, कोई पूछ दे कि चेन टेंशनिंग यूनिट कहाँ पे लगा होता है ना, टेल गेट पे लगा होता है, टेल गेट एंड पे, ठीक है। चेन टेंशनिंग यूनिट एक होता है जो टेल गेट एंड पे लगा होता है, ठीक है। एडेप्टर पांस टू ड्राइव द स्पेशल री रूटीन पांस, ठीक है। फिर होता है लाइन एंड इंस्पेक्शन पान भी होता है, फिर साथ साथ बोल रहा है कि द चेन साइज ऑफ कन्वेयर चेन ऑफ अप टू 45 mm, चेन साइज कितना होता है कन्वेयर चेन का या तो आर्मर फ्लेक्सिबल कन्वेयर का, 42 mm साइज होता है चेन का, ठीक है। बोल रहा है रोल्ड और कास्ट इज शेप्ड स्टील सेक्शन होता है, रोल्ड या तो कास्ट इज शेप्ड स्टील सेक्शन होता है, विड्थ ऑफ द कन्वेयर अप टू 1300 mm होता है, कन्वेयर का विड्थ कितना होता है, 1300 mm होता है। बोल रहा है कि वैन ऑपरेटिंग द कन्वेयर्स इन इंक्लाइंट सीम इट इज नेसेसरी टू यूज अ सुटेबल सिस्टम ऑफ एंकरेज डिपेंडिंग ऑन द डीप एंगल ऑफ सीम यूजुअली 35 डिग्री। बोल रहा है वैन ऑपरेटिंग द कन्वेयर्स इन इंक्लाइंट सीम, जब हम कन्वेयर को इंक्लाइंट सीम में ऑपरेट करते हैं, वैन ऑपरेटिंग द कन्वेयर्स इन इंक्लाइंट सीम इट इज नेसेसरी टू यूज अ सुटेबल सिस्टम ऑफ एंकरेज, तो उस केस में हम लोग सुटेबल सिस्टम ऑफ एंकरेज का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डीप एंगल ऑफ द सीम, किस पे डिपेंड करता है एंकरेज का सुटेबल चेक करना, सीम का डीपनेस मैंने इंक्लाइनेशन पे यूजुअली 35 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, तब हम लोग एंकरिंग करते हैं। बोल रहा है क्या बीम स्टेज लोडर, अब यहाँ पे BSL क्या होता है, बीम स्टेज लोडर होता है, इसका फुल फॉर्म बोल रहा है कलेक्टिंग कन्वेयर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या करता है, कलेक्टिंग कन्वेयर्स यूजुअली कॉल्ड BSLs इन हाई कैपेसिटी लॉन्ग वॉल ऑपरेशंस आर डिजाइन टू कन्वे एंड द क्रश द कोल एंड डिलाईवर इट इन टू ऑन टू द आउट बाय बेल्ट कन्वेयर कंटिन्यूअसली। बीम स्टेज लोडर क्या करता है, कलेक्टिंग कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है ना, कलेक्टिंग कन्वेयर्स यूजली कॉल्ड BSLs इन हाई कैपेसिटी
लॉन्ग वॉल ऑपरेशन, ठीक है, हाई कैपेसिटी लॉन्ग वॉल ऑपरेशन के लिए VSLs का इस्तेमाल करते हैं, बीम स्टेज लोडर्स, ठीक है, बोल रहा है क्या, एंड द क्रश द कोल एंड डिलाइवर इट ऑन टू द आउट बाय बेल्ट कन्वेयर कंटिन्यूअसली, आउट बाय बेल्ट कन्वेयर में ही कंटिन्यूअसली इसको डिलाइवर करता है, ओके। द BSLs कैन फुल्ली बी इनक्लोज टू मिनिमाइज द डस्ट, BSLs जो है फुल्ली इनक्लोज किया हुआ रहता है, ठीक है, BSLs एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो क्या होता है ना, फुल्ली डस्ट को मिनिमाइज करता है, फुल्ली इनक्लोज टू मिनिमाइज द डस्ट इन एंड अराउंड द लॉन्ग वॉल फेस, ठीक है, तो BSLs क्या हो गया, बीम स्टेज लोडर, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग हाई कैपेसिटी लॉन्ग वॉल फेस में करते हैं, और BSLs क्या है, बीम स्टेज लोडर एक ऐसा युक्ति है जो हमारा फेस में लॉन्ग वॉल फेस में कोल के डस्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल में होता है, ठीक है, एंड कैन हैव अ डस्ट एक्सट्रैक्शन यूनिट इंस्टॉल्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड, और डिस्चार्ज एंड पे क्या होता है, एक डस्ट एक्सट्रैक्शन यूनिट लगा होता है ऑन और ऑन द क्रशर एंड, या तो क्रशर एंड पर भी लगा होता है, ठीक है, साथ ही साथ हमारा ये है, देख सकते हैं एक ऐसा साधन, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोड हेडर, ठीक है, रोड हेडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, रोड हेडर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, लॉन्ग वॉल फेस में होता है, तो किस लिए होता है, तो हम लोग सब देखते हैं इसमें क्या है, ए रोड हेडर, रोड हेडर इज ए टाइपिकली ऑल्सो कॉल्ड बूम टाइप रोड हेडर, ठीक है, रोड हेडर को हम लोग टाइपिकली बूम टाइप रोड हेडर भी कह सकते हैं, रोड हेडर मशीन, रोड हेडर और जस्ट रोड हेडर मशीन इज अ पीस ऑफ एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है, ये क्या होता है ना, पीस ऑफ एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रोड हेडर क्या है, एक बूम टाइप रोड हेडर है, ठीक है, जो हम लोग फिगर में दिखा रहे हैं बूम टाइप रोड हेडर है, जिसका हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, इज अ पीस ऑफ एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का किस तरह से, किस तरह का पार्ट है ना, एक्सकेवेटिंग पार्ट है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए बूम माउंटेड कटिंग हेड, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए बूम, एक बूम को वहन करता है, ढोता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए बूम माउंटेड ऑन ए कटिंग हेड और लोडिंग डिवाइस यूजुअली इन्वॉल्विंग अ कन्वेयर, और क्या बोलता है ना कि कटिंग हेड क्या करता है ना, अ लोडिंग डिवाइस होल्ड करता है, यूजुअली इन्वॉल्विंग ए कन्वेयर, जो कन्वेयर को होल्ड करता है, एंड ए क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक, ठीक है, और क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक पर ये चलता है, और अ पीस ऑफ एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए बूम माउंटेड कटिंग हेड, बूम माउंटेड कटिंग हेड होता है, ए लोडिंग डिवाइस यूजुअली इन्वॉल्विंग ए क्रॉलर कन्वेयर, लोडिंग डिवाइस क्या होता है ना, कन्वेयर होता है, एंड ए क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक, या तो क्रॉलर, क्रॉलर मैंने चेन पर चलने वाला ट्रैक होता है, क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक, क्रॉलर पर चलने वाला ट्रैक होता है, टू मूव द इंटायर मशीन फॉरवर्ड इन टू द रोड फेस, ठीक है, साथ साथ बोल रहा था कटिंग हेड कैन बी जनरल पर्पस रोटेटिंग ड्रम माउंटेड, रोटेटिंग ड्रम, द कटिंग हेड कैन बी जनरल पर्पस रोटेटिंग ड्रम्स माउंटेड इन लाइन और परपेंडिकुलर टू द बूम, ठीक है, और कैन बी जो कि हमारा बोलता है रोटेटिंग ड्रम माउंटेड इन लाइन और परपेंडिकुलर टू द बूम, और बूम के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और कैन बी स्पेशल फंक्शन हेड सच एज जैक हैमर लाइक स्पाइक्स, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स, माइक्रोव्हील हेड्स लाइक दोज ऑन लार्जर टनल बोरिंग मशीन्स, ठीक है, साथ साथ बोल रहा है ए स्लाइस हेड लाइक अ जिजांटिक चेन सॉ फॉर डिसिंग अप रॉक, और सिंपल जॉ लाइक बकेट्स, ठीक है, या तो सिंपल जॉ लाइक बकेट्स को क्या करता है, डिसिविंग करता है, ठीक है, जॉ लाइक बकेट, सिंपल अ स्लाइसर हेड लाइक अ जिजांटिक चेन सॉ फॉर डिसिंग अप रॉक, और सिंपल जॉ लाइक बकेट्स ऑफ ट्रेडिशनल एक्सकेवेटर, जिसका इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पूरा टनल बोरिंग मशीन को भी हम लोग देख लिए, तो क्या होता है, कटिंग हेड लगा होता है, रोटेटिंग ड्रम होता है माउंटेड इसमें, पूरा ओवरऑल कंसेप्ट क्या है इसमें, और बूम पर रोटेटिंग ड्रम होता है, उसके बाद इसमें से जो भी हम लोग काट के निकालते हैं कोयला, तो उसको क्या करता है, एक जॉ हैमर से स्पाइक करता है, स्पाइक कॉम्प्रेशंस होता है, फ्रैक्चर माइक्रोव्हील होता है, और बोलता है क्या, स्लाइसर हेड लाइक अ जिजांटिक चेन सॉ, एक चेन सॉ की तरह जो एक स्लाइसर हेड लगा होता है, और एक बकेट होता है ट्रेडिशनल बकेट एक्सकेवेटर की तरह, ठीक है, रोड हेडर, ठीक है,
एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट के नाम से हम लोग रोड हेडर को जान सकते हैं, माउंटेड एंड कटिंग हेड्स। और इसका इस ये माउंटेड ये बूम माउंटेड कटिंग हेड होता है। इसमें क्या होता है, बस याद रखना है कि रोड हेडर में बूम बूम माउंटेड कटिंग हेड होता है। लोडिंग डिवाइस जो है होता है उसका यूजुअली कन्वेयर होता है या तो क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक। ठीक है, लोडिंग डिवाइस क्या होता है, एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग ए कन्वेयर एंड ए क्रॉलर ट्रैवलिंग ट्रैक टू मूव इंटायर मशीन फॉरवर्ड इन टू द रॉक फेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रोड हेडर। ओके, तो यहाँ तक फिगर क्लियर है और साथ ही साथ पूरा लेक्चर भी क्लियर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़ रिगार्डिंग माइनिंग मैथड।